हेलो दोस्तों, मैं हूँ सतीश भलेराव। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट इमेज क्वालिटी कैमरा सेटिंग रॉ फाइल कैमरे के अंदर कैसे लगा सकते हैं कैनन के अंदर। अगर आपको इमेज की शार्पनेस बढ़ाना है तो शार्पनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इमेज क्वालिटी कैसे लगानी है रॉ प्लस जेपीजी कैमरे के अंदर, और बेस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको कैमरे के अंदर कैसे लगानी है। तो अभी मेरे पास है कैनन का 80D कैमरा, तो मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले के अंदर लेके। तो आपको डिस्प्ले की सेटिंग ऐसे कैसे लगा सकते हैं एकदम बेस्ट इमेज क्वालिटी लाने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मैं कैमरा को आपको मैं रिसेट करके दिखाता हूँ। क्लियर कैमरा, क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना डिस्प्ले चेक कीजिए। ये यहाँ पर क्यू बटन प्रेस किया तो यहाँ पर डिस्प्ले आता है। तो सबसे बेस्ट जो मोड होता है वो है मैनुअल मोड, ठीक है। यहाँ पर मैनुअल मोड, यहाँ पर मैनुअल मोड सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे शटर स्पीड है बाय डिफ़ॉल्ट 125 होता है, 125 ही रहने दीजिए, या फिर आप फ्लैश लगाते हैं तो 250 तक जा सकते हैं, लेकिन 250 में भी ब्लैक आई शार्ड्स आ जाते हैं, तो 200 तक रख सकते हैं, 125 से 200 तक। एपर्चर है वो लगभग आपका 8 से 11 के बीच में रहेगा, लाइट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। लगभग लाइट अच्छी हो तो 11 लगता है, और 300 पावर वाली लाइट हो तो आपको लगभग 8 का एपरेचर लगेगा। और ISO है, ये एटो नहीं रखने का है, एक तो 100 या 200 रखने का। तो मैं 200 सेलेक्ट कर देता हूँ। और जो एक्सपोजर है इसको कुछ भी चेंज नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, इसको 0 पे ही रखने का। और ये फ्लैश एक्सपोजर है, जब इनबिल्ट जो फ्लैश है इसकी सेटिंग पे होती है, या तो फिर एक्सटर्नल फ्लैश पे सेटिंग पे होती है, तो इसको भी कुछ करने का नहीं है। आगे है यहाँ पर मेन फंडा है पिक्चर स्टाइल का, तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड पिक्चर स्टाइल रख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ही रखना चाहिए, इस पे ही बेटर फोटोग्राफी आ जाती है। अगर आपको शार्पनेस बढ़ाना है इमेज की तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पर जो शार्पनेस है ये लगभग 7 तक जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 3 का शार्पनेस है, तो आप बढ़ा के 1 या 2 स्टॉप तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इमेज हार्ड बन जाती है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। फिर वापस आते हैं मेनू पे, फिर वापस आते हैं, पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट हो गई। ये एटो वाइट बैलेंस है, तो ये एटो पे कभी भी नहीं रखने का है। एक तो आप कस्टम वाइट बैलेंस रख लीजिए, रखिए जो कि ग्रे कार्ड पे आ जाता है, तो नहीं तो मैंने वाइट बैलेंस सेट करने का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देखिए। तो वाइट बैलेंस आप ज़्यादा करके 100% बेटर निकालना चाहते हो तो केल्विन वाइट बैलेंस पे रखना है। तो केल्विन वाइट बैलेंस कितना रखना है, लगभग आपकी स्टूडियो लाइट होती है येलो लाइट, उसमें से वाइट फ्लैश आ जाता है, तो आप 5000 केल्विन टेम्परेचर रख सकते हैं। और आगे आते हैं ऑटो करेक्ट इमेज ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये लगभग अगर आपको डार्क इमेज लग रही है ये तो ऑफ ही बेटर है। अगर आपको लगता है कि मुझे इमेज और थोड़ी सी ब्राइट चाहिए तो आप थोड़ा सा एटोलाइट ऑप्टिमाइज़र को स्टैंडर्ड रख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे है ये बटन, कैमरे के बटन की सेटिंग है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करने की। और यहाँ पर फोकस मोड है, तो ये वन शॉट ही रखना है, क्योंकि हम स्टिल इमेज निकालते हैं, बाकी के ISRO जो फास्ट निकलने के लिए, हलचल होने वाले फोटो को निकालने के लिए होता है, तो ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एटो फोकस पॉइंट है, तो ये कितना रखना चाहिए, तो ये रखना चाहिए एक तो सिंगल, सिंगल पे आप जहाँ पर भी आई फोकस डिटेक्ट करोगे तो ये आई फोकस पे आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आई फोकस मेरा क्लिक नहीं होता है तो आप 9 फोकस पॉइंट रख सकते हैं, तो मेरा ज़्यादातर तो 9 या सिंगल फोकस पॉइंट पर ही सिलेक्ट रहता है। यहाँ पर मीटरिंग है, मीटरिंग एवरीथिंग मीटरिंग ही रखना है, कोई उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और ये सिंगल शूटिंग मोड है, ये सिंगल ही रखना है, क्योंकि ये कंटिन्यू जब फटफट फटफट फोटो निकालना है फास्ट यूज़ होता है, या टाइमिंग फोटो पे सिंगल ही रखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्लिक करने की। और यहाँ पे मेन सेटिंग ये है कैमरा रॉ इमेजेस, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है। तो अगर आप रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर वाली रिंग घुमाइए, रॉ इमेजेस हो जाएगी। नीचे वाली इमेजेस लार्ज पर रखना है, JPG लार्ज,
एट ए टाइम आप दोनों भी इमेजेस निकाल सकते हैं, रॉ प्लस जेपीजी। तो ये हो गई डिस्प्ले मेन सेटिंग। और भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक्सपोजर चेंज करना है, तब आप एपर्चर चेंज कर सकते हैं लाइट के हिसाब से और आईएसओ से चेंज कर सकते हैं। अभी ऊपर वाली बटन की सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पर जो बटन है ये फोकस, तो ये वन शॉट पे ही आता है इधर से। ड्राइव मोड है वो भी सिंगल पे ही रखना है, और यहाँ से आईएसओ चेंज कर सकते हैं, मीटरिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, यहाँ पे मल्टी फोकस डिटेक्ट बटन है, तो ये आपको काम आएगा जो भी मैंने यहाँ से दिखाया था आपको, ये वाला। ये आपको इस बटन से मल्टीफंक्शन बटन से क्लिक होगा, सिंगल रहेगा तो या तो सिंगल रखो या फिर वाइड, ये आप चेंज करोगे तो आपको व्यू फाइंडर से पता चलेगा। और फोकस करना है ज़्यादातर, तो अगर आप इस बटन से फोकस भी करते हो और शटर रिलीज भी करते हो तो आपकी सेक होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं इमेज में, तो आप सेक नहीं करना चाहते हो तो पीछे वाले बटन से, ये ऑटो फोकस बटन है, इसे आप फोकस करो, ये दबा के रखो और आगे वाला बटन प्रेस करो, तो इससे आपकी इमेजेस एकदम स्टिल आ जाएगी, इसमें शेक इमेजेस नहीं हो जाएगी। और भी कुछ चीज़ होती है शेक इमेजेस ना होने के लिए कारण, तो आप शटर स्पीड को हाई शटर स्पीड पे निकाल सकते हैं, या आईएसओ रेंज ज़्यादा बढ़ा के निकाल सकते हैं, एक्सपोजर, बहुत सारी चीज़ होती है उसके आगे, लेकिन इतनी कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको मैंने ये बेसिक डिस्प्ले की सेटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बेस्ट इमेज क्वालिटी सेटिंग आपको मैंने सारी डिटेल में बताई है। तो आप रॉ इमेजेस, अगर आप रॉ प्लस जेपीजी निकालना है तो आपकी कैमरे में एट ए टाइम दो फाइल बनेगी, रॉ भी बनेगी जेपीजी में भी बनेगी। अगर आपको सिर्फ जेपीजी बनाना है तो जेपीजी ही रख सकते हैं, रॉ को हटा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रॉ निकलना है तो रॉ भी कर सकते हैं। और ये रॉ फाइल को कन्वर्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, जो कैनन का प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, वही यूज़ कीजिए, वही बेटर होगा। नहीं तो आपको लाइट रूम या फोटोशॉप सीसी ब्रिज वगैरह का अलग से सॉफ्टवेयर लेना होगा, उससे हो जाएगा। कैमरे के अंदर भी अगर आपके रॉ फाइल बन जाती है तो कैमरे के अंदर भी आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करके जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बेटर जो सॉफ्टवेयर है, आपको जेपीजी जैसे ही इमेजेस करना है तो डिजिटल फोटो प्रोफेशनल कैनन का सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके आगे है सबसे हाई लेवल का लाइट रूम है या ब्रिज है, फोटोशॉप सीसी, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़रूर अच्छा लगा तो एक कमेंट करके बताना, और वीडियो को भी लाइक करना ज़रूर, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।